अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान स्प्रिंग एडमिशन 2023 की डिटेल्स। इसमें अगर मैं लास्ट डेट अप्लाई की बात करती हूं तो आप 7 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं फॉर एडमिशन के लिए, और इसकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 17 अप्रैल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट को, हमें कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करवाए जा रहे हैं स्प्रिंग 2023 में। तो हमें BS प्रोग्राम्स 4 ईयर, इसके साथ ही एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स 2 ईयर्स, डिप्लोमा 1 ईयर, इसके साथ ही स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम 1 ईयर एंड BEd के प्रोग्राम्स ऑफर करवाए जा रहे हैं। और बात करते हैं हम BS 4 ईयर प्रोग्राम्स की, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑफर करवाए जा रहे हैं बैचलर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश पैरालिंग्विस्टिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथ्स कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, फिजियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जूलॉजी। इसके साथ ही हमें एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कॉमर्स, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, इस्लामिक बैंकिंग, मैथ्स कम्युनिकेशन, ऑपरेशन मैनेजमेंट, फिजियोलॉजी, सेल्स एंड मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड वेब डिजाइन के प्रोग्राम्स ऑफर करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही हमें आर्ट्स इक्विवेलेंट, जो कि 2 ईयर्स उसकी डिग्री के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं BA के बाद, तो उसके लिए आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उसमें हमारे पास आ रहे हैं बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथ्स कम्युनिकेशन, स्टैटिस्टिक एंड डाटा एनालिसिस। एनालिटिक्स के बाद हमें अगर साइंस सब्जेक्ट स्टूडेंट रखी है तो उनके लिए जो से सब्जेक्ट्स होंगे उनके लिए उनमें है बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक एंड जूलॉजी। इसके अगर बात करते हैं हम 1 ईयर डिप्लोमा की, तो हमें अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अप्लाइड फिजियोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड टीचिंग, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लिंग्विस्टिक, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेलीविजन प्रोडक्शन के प्रोग्राम्स में हमें 1 ईयर डिप्लोमा ऑफर करवाया जा रहा है। BEd हमें ऑफर करवाया जा रहा है 4 ईयर्स, इसके साथ ही 4 ईयर हमें अर्ली चाइल्डहुड केयर में ऑफर करवाया जा रहा है एंड एजुकेशन में, इसके साथ ही BEd एलिमेंट्री 2.5 ईयर, BEd सेकेंडरी हमें 1.5 ईयर, जो कि आफ्टर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हमें ऑफर करवाया जाता है। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स में हमें एजुकेशन का प्रोग्राम ऑफर करवाया जा रहा है फॉर इन सर्विस टीचर के लिए 1 ईयर का, और स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट हमें बैंकिंग में, मैनेजमेंट में, फाइनेंस, मार्केटिंग या HRM में ऑफर करवाए जा रहे हैं। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने अगर अप्लाई करें डिप्लोमा में तो आप आफ्टर BSc BCom अप्लाई कर सकते हैं फॉर एडमिशन के लिए। इसके साथ ही वो कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई करना है 5th सेमेस्टर में तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो अपने 4th सेमेस्टर में अपने क्रेडिट आवर्स जो उनके हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं तो देन वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर 5th सेमेस्टर के लिए, या अगर उनके 4 सेमेस्टर में उनके क्रेडिट आवर्स पूरे हो चुके हैं तो वो ADB में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करते हैं इसमें अप्लाई के मेथड की, तो अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अपने अकाउंट को रजिस्टर्ड करवाना है, बट अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपने पहले अपनी उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना है, ओल्ड रजिस्ट्रेशन को, देन आपने अप्लाई करना है फॉर न्यू एडमिशन के लिए। यहाँ पे फुल नेम मेंशन करिए, अपना आईडी कार्ड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंड डेटा पासवर्ड करके और साइन अप पे क्लिक कर दें तो आपका एडमिशन जो है पोर्टल वो कंटिन्यू हो जाएगा, उसको फिलअप करें और लास्ट आपके पास आपका एडमिशन जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। इसके साथ अगर हम बात करते हैं एडमिशन शेड्यूल के बारे में, तो ये हमारे पास एडमिशन शेड्यूल में जो है स्प्रिंग 2023 का, जिसके एडमिशन की ओपनिंग हो चुकी है 15 फरवरी से, लास्ट डेट 7 अप्रैल है। इसके साथ ही जो इसमें लास्ट डेट अप्लाई की है फॉर कोर्सेज के लिए वो भी 7 अप्रैल है। डिस्प्ले होगी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो कि टेंटिव डेट है तो वो 12 अप्रैल को होगी। इसके साथ जो क्लासेज हैं वो 17 अप्रैल को स्टार्ट होंगी। इसके साथ अगर हम बात कर लेते हैं एडमिशन की गाइडलाइंस के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आपके पास फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें आपका आईडी कार्ड या बे फॉर्म इंक्लूड है, आपका वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, फोटोग्राफ्स, स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। इसके साथ ही जिन्होंने ए लेवल्स किया हुआ है या ऑल लेवल्स तो या फॉरन से अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास IBCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ ही वो कैंडिडेट जो कि माइग्रेशन करवा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 5th सेमेस्टर में तो उनके पास NOC भी होना कंपल्सरी है। इसके अंदर हम इसकी जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से बताई गई है और जिसको रीड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
होप सर्टिफिकेट की बेस पे कोई भी एडमिशन नहीं होगा। आफ्टर एडमिशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपने उसका प्रिंट लेना है, साथ आपने 3 हार्ड कॉपीज, 3 सेट ऑफ अपने डॉक्यूमेंट्स के अटैच करने हैं। जो कैंपस आपने सेलेक्ट किया उस कैंपस में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा देना है। इसके साथ ही अपने पोर्टल पे भी स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है केयरफुली। वो इसके अलावा वो कैंडिडेट जिन्होंने ए लेवल्स किया हुआ है तो उन्होंने आईबीसीसी का सर्टिफिकेट भी लाजमी सबमिट करवाना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन को एडअप करेंगे तो उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और जो एडमिशन आपका होगा वो कंप्लीटली रेगुलर बेस पे होगा। इसके साथ ही वो कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं उन्हें दोबारा अपनी एनरोलमेंट करवानी है तो उनके लिए है कि वो अपनी पहली रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करें और देन अप्लाई करें फॉर एडमिशन के लिए। कोई भी एप्लीकेशन अगर आफ्टर एडमिशन रिसीव्ड होती है तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इनकम्प्लीट एडमिशन फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अपलोड करनी है आपने अपने ऑनलाइन अपनी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह ली है या आपका रिजल्ट कार्ड ऑनलाइन है तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने जो बोर्ड की तरफ से इशू हो गया है जिसपे सिग्नेचर वगैरह होते हैं वही अपलोड करना होगा। इन्फॉर्मेशन अगर बात करते हैं मेरिट बेस की तो वो कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई करना है बीएस इन्फॉर्मेटिक्स में, बीएस पावर टेक्नोलॉजी में, बीएस जिन्होंने अप्लाई करना है साइंस ग्रुप में तो उनके एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको लैब प्रेफरेंस के बेस पे उसका मेरिट होगा और उसके बेस पे उसका मेरिट जो है डिटरमाइन किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो सक्सेसफुल कैंडिडेट की वो पब्लिश की जाएगी यूनिवर्सिटी की और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो अपनी फी को सबमिट करवाएंगे आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट। इसके साथ ये फर्दर इन्फॉर्मेशन इनके स्कॉलरशिप के वाले बारे में नीट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है स्टूडेंट को और नोट में कुछ चीजें में इसके साथ उन्होंने नोट में मेंशन किया है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने विद इन अ डेट। इसके साथ ही बीएस फिजियोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, डिप्लोमा, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोग्राम उनसे अवेलेबल नहीं है ओवरसीज एप्लीकेंट्स के लिए। सीएनआईसी मिसमैचिंग जो है उसका भी रिजेक्शन कर दी जाएगी एडमिशन फॉर्म में अगर मिसमैच हुआ तो। जीरो सेमेस्टर जो है इन फॉलोइंग जो प्रोग्राम्स है इन पे एप्लीकेबल नहीं है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करती हूँ इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, ये हमारे पास फीस स्ट्रक्चर मौजूद है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स का, बीएड का, बैचलर का, बीएस का, मास्टर, एमएस, पीएचडी। इसमें उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिशन फी जो वन डे में आपने देनी है, रजिस्ट्रेशन फी, सिक्योरिटी फी जो कि रिफंडेबल है, प्रोस्पेक्टस की फी 500 रुपीज है, इनरोलमेंट फी पर सेमेस्टर, ट्यूशन फी एंड कन्वोकेशन फी वगैरह सारे चार्जेज उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं और ये आप चेकआउट कर सकते हैं एडमिशन फी इंक्लूडिंग डिग्री वेरिफिकेशन के लिए। फर्दर उन्होंने डिटेल्स मेंशन किए, अगर कोई जीरो सेमेस्टर का है तो उसकी 3000 फीस आपको सेपरेट से सबमिट करवानी होगी जो उसकी इंस्ट्रक्शन जो उनसे मेंशन की गई है। इसके साथ ही ये फीस स्ट्रक्चर फॉरेन के लिए है जिसमें जिनको स्टूडेंट ने डॉलर्स में सबमिट करवाना होगा, $100 उनके होंगे एडमिशन फी के, $50 होंगे वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन फी, एनरोलमेंट फी, ट्यूशन फी है, इसके बाद ही कन्वोकेशन की फी मेंशन की गई है और ये फर्दर इसकी डिटेल्स एंड वेरिफिकेशन जो अदर चार्जेस वगैरह है उसको मेंशन किया गया है। स्टूडेंट चेक कर लें जिस भी प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है उसका फीस स्ट्रक्चर। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट की मेरे से कोई भी क्यूरी है एडमिशन के अबाउट तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह।